ये चीज तो तुम लोग भूल ही गए, कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट ग्रुप एफर्ट्स, ना कि इंडिविजुअल काम की। और अगर तुम ग्रुप एफर्ट लगा रहे हो, अब इसे पैराग्राफ में लिख दो बना के, इज ए एन द ए ई आई ओ यू, जो यूज करना है कर लो। छोटे भाई बहन का काम है सबको परेशान करना, जगा के रखना। मतलब तुमने और तुम्हारे सारे दोस्तों ने मिलके बर्थडे प्लानिंग की कि यार अपन को अपने दोस्त को बर्थडे सरप्राइज देना है। फुग्गे खरीदने की बारी आई, बैलून खरीदने की बात आई, बलून्स खरीदने की बात आई, वो जो संभाली मैंने ही संभाली जिम्मेदारी, सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, तो कैसे हैं आप लोग बताइए, बताइए कैसे हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में। अपना दोबारा पढ़ने का वक्त आ चुका है, अब आज फिर अपन बैठने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या बात है, मूड बन गया। हाँ भैया मूड बन जाना चाहिए, आज पढ़ाई करनी है सीरियसली, आज अच्छे से पढ़ाई करनी है। और क्योंकि फिर आज काफ़ी सारी चीज़ें अपन सोच के चल रहे हैं कि भैया बिजनेस स्टडीज़ अपन निपटा लेंगे और बस चल नहीं है। तैयार हैं सब लोग, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई अच्छे से, और अब हम शुरू करते हैं। तो चलो भाई यार मैं चालू करता हूँ अब। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस के कॉमर्स बाबा बहुत जल्दी ही ट्वेल्थ के एडमिशन्स क्लोज कर देगा कम्प्लीटली साल भर के लिए, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द सीट्स फिल्ड कम्प्लीटली। तो सोच के चल रहे हैं अब देखो। तो चलो भाई मैं अब आज का, मैंने जैसा तुम लोग को हमेशा बताया कि अपना मेन काम है ध्यान देना, सिर्फ जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं या जो हम नोट्स बना रहे हैं या आज का टारगेट हमारा रहता है तो वही टारगेट रहेगा, सिर्फ देखो और पढ़ना चालू करो। ठीक है चलो तो शुरू करते हैं भाई। फाइनली आद्य त्रिवेदी जी का बर्थडे था यार, और विश नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है कॉमर्स बाबा फैमिली ने यार विश नहीं किया हो। चलो भैया हैप्पी बर्थडे यार, जियो हज़ारों साल और इन्जॉय करो लाइफ को, अपने पैशन के लिए जियो। लगना चाहिए कि लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हो। अगेन वंस अगेन हैप्पी बर्थडे यार, एंड खूब खुश रहो, मतलब खुश रहो और फैमिली को खुश रखो। लाइफ में सबसे पहला गोल होना चाहिए कि फैमिली खुश रहे, बस उसके बाद तुम तो खुश रह ही लोगे। अगर तुम्हारे आसपास वाले खुश है तो तुम खुश रह लोगे। तो यार वंस अगेन हैप्पी बर्थडे एंड एंजॉय करो, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या गिफ्ट मिला है, घर से क्या मिला है, क्या गिफ्ट मिला है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद चैट सेक्शन एकदम खामोश हो जाना चाहिए, मुझे चैट सेक्शन इसके बाद एकदम खामोश चाहिए जैसे ही बर्थडे विशेज हो जाए। ठीक है मैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ, कोऑर्डिनेशन, जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह बात की बात है, मैं आज कोऑर्डिनेशन निपटाऊंगा बिकॉज मुझे ये लगता है कि हफ्ते भर में तुम्हारा ये कोऑर्डिनेशन टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर मैं इसकी केस स्टडीज बेस्ड कुछ चीज़ें तुम लोगों को आगे ट्रिकी बताऊंगा आगे चल के। तो आज कोऑर्डिनेशन अपन कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल अब पीस ऑफ माइंड कर लो, छोड़ दो सारी चीज़ें, जो जो तुम लोग मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं सामने रख दो, अगर कॉफ़ी वॉफ़ी है बढ़िया उठाओ कॉफ़ी, बढ़िया पीना चालू करो, जूस कॉफ़ी जो भी पीते हो तुम, और शुरू हो जाओ मेरे साथ नोट्स बनाना, बस और कुछ भी नहीं करना है। और प्लीज़ ध्यान देना, जो भी चीज़ें मैं जैसे हाईलाइट करके लिख रहा हूँ लिखवा रहा हूँ वैसे प्लीज़ करते चले जाना। तो सब लोग हेडिंग डाल लो, चलो हो गया, नाउ स्टार्ट स्टडिंग। चलो तुम लोग इसको याद रखने वाले हो कोऑर्डिनेशन को, बाइंडिंग एफर्ट्स, बाइंडिंग यानी जैसे बुक बाइंड कराते हैं ना, बस उससे। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल अबाउट एफर्ट्स, और तुम लोग इसे याद रखोगे बाइंडिंग एफर्ट्स के साथ, जैसे बुक बाइंड कराते हैं वैसे एफर्ट्स को बाइंड किया जाता है। बेस्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की, बेस्ट डेफिनेशन, और याद रखने में भी बहुत आसान है। ख़त्म, ये कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना। अच्छा समय बुरा समय सबकी लाइफ में आता है, ज़रूरी ये है कि कोऑर्डिनेट करके आप कब काम कर सकते हो, क्योंकि लूज़र्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो पीक स्ट्रेस टाइम पे अपने आप को गिव अप कर देते हैं, और विनर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो पीक स्ट्रेस टाइम पे कोऑर्डिनेशन को डबल कर देते हैं। मैनेजमेंट भी वही कहता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता ही यही है कि आप एफर्ट्स को बाइंड करो कुछ इस तरीके से कि आपका सेट गोल जो है, यानी जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सकें। अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ और एनी अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज टेस्ट यू इन एनी सेंस, जैसे भी आप लेना चाहो। इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो तभी हो पाता है जब मैनेजमेंट के गोल्स या सेट ऑब्जेक्टिव्स सही डायरेक्शन में जा रहे हों, एंड दे नो हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स।
इतनी ही सिंपल डेफिनेशन है, इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो कोर इंग्रेडिएंट है बाइंडिंग द एफर्ट्स वो आ रहा है, और इसलिए मैंने उसको रेड से हाईलाइट कर दिया है। आपको इसके आगे और कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट अपन दोनों मिलकर हेडिंग डालते हैं, जल्दी से डालो, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आईएससी वाले जितने भी देख रहे हैं कृपया करके कोऑर्डिनेशन को वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लो, तुम लोग के कोऑर्डिनेशन के 90.9% क्वेश्चंस आते हैं जितने भी आईएससी वाले हैं, क्योंकि मेन उन आज मेरा मेन फोकस उन्हीं को लेके है। मैं कोऑर्डिनेशन डिटेल में इसलिए जाऊंगा क्योंकि सीबीएसई की तो केस स्टडीज आती है, लेकिन आईएससी को डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें अच्छे खासे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो पहले आईएससी में 6 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 5-4-3 करके आता है। 5 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा और फिर 3 मार्क का आएगा, ऐसे टोटल 12 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 सब पार्ट आते हैं, तो भाई अब उसकी तैयारी कर लो जितने भी आईएससी वाले। अब तुम्हें 6-6 मार्क के 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 12 मार्क स्कोर कर लो, थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस चीज़ पर। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, लक्ष्मी जी बिल्कुल बात करेंगे। गौरव नयन कैसे हैं मेरे भाई, ध्यान दो जल्दी से क्लास पे। पहला फीचर बहुत क्लियर है, सिंपली अगर इसको समझना है तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालने इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या इस जो भी अपन ने ये लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें बहुत सिलेक्टिव चीज़ें करके लानी है। इसमें क्या करेंगे आप, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नाउ इंटीग्रेट का अगर आप टिपिकल मीनिंग निकालो, बहुत ही बेसिक मीनिंग निकालो कि इंटीग्रेशन होता क्या है, तो मैंने लिख दिया है कंबाइंस। कंबाइंस यानी जितने लोग साथ में एफर्ट डाल रहे हैं वो सारे के सारे जब उनके एफर्ट्स को एक साथ लेके आया जाए तो उसको कंबाइन करना कह देते हैं या इंटीग्रेट करना कह देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। नाउ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, उनका जो एफर्ट है, उनका जो काम है वो कॉमन गोल की तरफ है, और उसके लिए उन्हें कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। इस कोऑर्डिनेशन के कारण 2 चीज़ें आ जाती हैं, पहली चीज़ उनके एफर्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, इंटीग्रेट यानी जो भी एफर्ट उन्होंने किए हैं यूनिफॉर्मिटी में आ जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मैं सबको जब भी समझाता हूँ तो ये एग्जांपल ज़रूर देता हूँ यार, हम सब जब बोलते हैं भारत माता की जय, तो जब तक वो एक सुर में ना निकले, इकट्ठी ना निकले, तब तक सुनने में मज़ा ही नहीं है। एक ने चिल्ला दिया, फिर दूसरे ने बोला, फिर तीसरे ने बोला, लेकिन जब इकट्ठी कंबाइंड वॉइस आती है, इंटीग्रेटेड वॉइस आती है, तो उसका मज़ा ही अलग होता है, मीनिंग डिफाइन हो जाता है, अलग ही लेवल पे हो जाता है। ऐसे ही हमारा मैनेजमेंट है, एक इंडिविजुअल के एफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जब आप टीम वर्क करते हो, और कोऑर्डिनेशन इसमें हेल्प करता है, वो आपके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, साथ में आपको एक डायरेक्शन देता है, आपके अंदर एक जोश लेके आता है, ओके माय वर्क इज हेल्पफुल टू समवन एल्स, उसका काम किसी और के लिए हेल्पफुल है और हम सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तभी कोऑर्डिनेशन काम करता है। इंटीग्रेशन जब तक नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कंबाइन नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट करने का मतलब है कंबाइन करना, एक साथ लेके आना, एक प्लेस पे, एक पॉइंट पे लेके आना, एक यूनिफॉर्मिटी पे लेके आना, जहाँ पे लगे कि जो मैंने काम किया है वो किसी और के लिए भी यूज़फुल है, सिर्फ काम करने के लिए काम मैंने नहीं किया है, इसलिए किया है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे ऐसी ही शांति चाहिए और सिर्फ सुनते चले जाओ। एंड अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज डजेंट मैटर यू आर स्टडिंग फॉर केस स्टडीज और यू आर स्टडिंग फॉर राइटिंग द परफेक्ट आंसर्स, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको केस स्टडीज़ लिखनी है या परफेक्ट आंसर्स लिखने हैं, वॉट मैटर्स इज़ द कंटेंट दैट यू हैव टू यूज़। इसलिए मैं आपके लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत पीसफुल हो याद करने में भी, ओके मैं ये वर्ड्स लिखूंगा तो मेरे आंसर्स 100% परफेक्ट कहलाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट स्कोरिंग, एंड स्कोरिंग तभी होगी व्हेन यू नो के क्या क्या लिखना है, अगर आपको पता है यू विल स्कोर ईजिली। ठीक है, बिल्कुल भाई, जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम्हारे पास आएगी नहीं, ये याद रखना हमेशा, जब तक तुम्हारे पास लाइफ में कुछ भी ड्रीम करो, कितना भी बड़ा ड्रीम करो, मतलब बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर से मैं तुम्हें आगे पूरा लाइफ लेसन्स देते चलूँगा कि कुछ भी ड्रीम करो लाइफ में, कितना भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट
उसे लिखते चलो, उस विजन को अपने सामने रखो। मतलब अगर लाइफ में अभी कोई एक बड़ा लेसन लेना है, फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजन पे जाओ, वॉट एवर यू लव, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ इन फ्यूचर, एक अच्छा सा छोटा सा पोस्टर खरीदो, लाइक स्पेंड 50-100 रुपीज़ और मे बी जितने का भी आ जाए, और वो पोस्टर हमेशा अपने सामने चिपका रहने दो। एंड डजेंट मैटर आप कितने बड़े हो जाते हो या लाइफ की किस स्टेज में पहुंच जाते हो, कभी भी डिप्रेस नहीं होगी अगर उस पोस्टर को देखोगे। एंड नेवर चेंज दैट पोस्टर, इवन अगर पेंट दोबारा होता है वॉल पे, उसको प्यार से निकालो, उसको हमेशा वैसे ही रखो, बट वो पोस्टर एक तुम्हारे सामने हमेशा होना चाहिए। वो अगर नहीं होगा, लाइफ में पैशन नहीं होगा, लाइफ में मीनिंग नहीं होगा, तो कहीं नहीं जाओगे। सो दिस इज़ माई थ्योरी कि वो पोस्टर तुम्हारे साथ रहना चाहिए। यू नो कि यार 11th 12th में बाबा जी ने एक बार बोला था, तब से लेके आज तक ये पोस्टर मेरे साथ है, मेरे साथ भी है। जब तक मैं अचीव नहीं कर लेता लाइफ में, तब तक तो रहेगा मेरे साथ। उसके बाद शायद ओरिजिनल चीज़ आ जाएगी तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, तो रखो, पैशन होना ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न गुड, पैशन होना ज़रूरी है। तो मैंने जैसा इसके अंदर बताया कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे फंक्शंस में ग्रुप्ड होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो गया, या उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये तो मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस है, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंटरनल लेवल पे फंक्शंस आ जाते हैं, सो दैट कोऑर्डिनेशन के थ्रू एफिशिएंसी आए। अब यहाँ पे उन्होंने यूनिटी की बात की, यूनिटी का मतलब होता है एकता। अब आप पूछोगे इंटीग्रेटेड और यूनिटी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत छोटा सा है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एफर्ट्स कंबाइंड होने चाहिए टुवर्ड्स अ डायरेक्शन। जब टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, ध्यान देना यहां पे, क्योंकि बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पहले वाले में भी वही था, इसमें भी वही है। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स का मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि साथ मिलकर काम करो, समझ रहे हो? एक बार फिर से बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन का काम ही होता है कि साथ में मिलकर काम करो, लेकिन उस साथ के मिलके काम करने में जब तक यूनिटी नहीं आएगी, जब तक एकता नहीं आएगी, जैसे मैंने सोच लिया ओके मेरा काम सामने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं या कुछ इस तरीके का काम करूं कि सामने वाले को भी लगे यार कि हाँ यार इसने काम सही करके दिया है, लेकिन वो आगे प्रोसीड ना करे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब है सब मिलके काम कर रहे हैं, यूनिटी का मतलब है सबका विजन, सबका माइंडसेट एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ऑल्दो इंटीग्रेशन में भी वो आता है, लेकिन इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड या ए पॉइंट ये बताता है कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट कंबाइंड एफर्ट, कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट कंबाइंड एफर्ट, बट यूनिटी क्या बताता है, दोज कंबाइंड एफर्ट्स शुड बी इन यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्मिटी में होने चाहिए। अगर काम 15 तारीख को चाहिए था तो 15 तारीख को ही करके दिया होगा, तभी यूनिटी होगी, तभी यूनिफॉर्मिटी होगी। 20 तारीख को करके दोगे तो लाइन से सारे काम डिले होते चले जाएंगे और कोऑर्डिनेशन हैम्पर हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको अपन लिख लेते हैं और मैं बता देता हूं चैप्टर 1 में से ये सबसे हल्का टॉपिक है जो सारे के सारे लेते हुए चलते हैं। एक बार और मैं समझा रहा हूं, जब बात की थी हमने इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स की, तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। तुमने और तुम्हारे सारे दोस्तों ने मिलके बर्थडे प्लानिंग की कि यार अपन को अपने दोस्त को बर्थडे सरप्राइज देना है, तो दैट वाज कोऑर्डिनेशन, बिकॉज आप इंटीग्रेट कर रहे थे ग्रुप एफर्ट्स को, आप एक साथ लेके आ रहे थे ग्रुप एफर्ट्स को, क्योंकि इंडिविजुअली आप काम नहीं कर सकते थे, आपको एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी था। तो जो आपने बर्थडे की प्लानिंग की, जो आपने मिल बैठ के बातें की, जो आपने मिल बैठ के प्लान किया, वो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन कहलाया। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, जब फुग्गे खरीदने की बारी आई, बैलून खरीदने की बात आई, बलून्स खरीदने की बात आई, वो जो चमचम वाली चीज़ें होती हैं, जितनी भी खरीदने की बारी आई, उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे इंटीग्रेशन तो है क्योंकि सारे लोग सेम थॉट पे बैठे हुए हैं कि सरप्राइज देना है। लेकिन जब तक यूनिटी नहीं होगी, जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, जब तक एक साथ काम नहीं करने लगोगे, कोई मतलब नहीं है कितना भी बड़ा ड्रीम कर लो। यानी बर्थडे के दूसरे दिन केक आ रहा है, 6 दिन पहले चमचम आ चुकी थी, बलून्स जो हैं बर्थडे के दिन आ रहे हैं, सो यूनिटी नहीं है। यस इंटीग्रेशन है, यस सब साथ मिलके काम करना चाहते हैं, यस इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन, बट यूनिटी ऑफ एक्शन बिल्कुल नहीं है, विच शुड नेवर हैपन। कोऑर्डिनेशन का क्लियरली बोलना है, ओके इंटीग्रेशन होना चाहिए, ओके सबको साथ में मिलके काम करना चाहिए, ओके सब लोग मिलके बर्थडे प्लान करो, लेकिन मिलके बर्थडे प्लान करने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी या यूनिटी नहीं लेके आओगे। यूनिटी ऑफ एक्शन भी होना चाहिए, काम में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए, जो काम जब होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, तभी होगा,
तभी मिलके काम करने में मजा आएगा, वरना इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सुधांशु का पूछना है, यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब वर्क ऑन टाइम है क्या? वर्क ऑन टाइम नहीं है, पुटिंग ऑल द एफर्ट्स एट द सेम टाइम कह सकते हो अगर कहना चाहते हो। मैं लिख देता हूँ, डिंपल जी बिल्कुल सही बोला है, सुयश भाई बिल्कुल सही बोला है, देश मित्र भाई बिल्कुल सही है। ये रहा डिफाइन करा हुआ है प्रखर भाई, ये देखो डिफाइन किया हुआ है, ये मतलब होता है प्रोवाइड्स डायरेक्शन और कंबाइन करना, बस इंटीग्रेशन वहीं तक है। इस वाले में जरूरत नहीं पड़ी यार कावेरी जी। चलो डेजी ने डाउट पूछा है, एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट में क्यों हुआ है, व्हाई नॉट सेकंड? यार डेजी दिक्कत यही है एनसीईआरटी के साथ। सी मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, बिजनेस स्टडीज़ में टीचर्स बहुत फोकस करते हैं एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी डेजी इट्स गुड फॉर स्कोरिंग मे बी 95, बट 100 मार्क्स के लिए वो 4-5 मार्क की कसर छूटी जाती है। इसलिए मैं इसलिए नोट्स बनवाता हूँ कि इससे पढ़ लो, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अजीब अजीब चीज़ें दी हुई हैं जो कभी हेल्प नहीं करती हैं। सो मेरा यही बोलना है कि इतना कर लो काफ़ी है, वो कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज डाइवर्स एंड इंटरेस्ट वो कोई मतलब नहीं है, उतनी टेक्निकल भाषा लिखने का उसके मार्क्स भी नहीं है, तो मैं क्यों करूं मेहनत उतनी, सीधी बात ही है। कितना सिंपल इसका आंसर है कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन की तब तक ज़रूरत है जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही कर लो, ये एक लाइन तुम्हें 100% मार्क्स दिलवा सकती है, मतलब इसके आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी सिर्फ यहाँ पे फोकस चाहिए तुम लोगों का, तो ध्यान अभी इस पे दो, बाकी मैं सारे डाउट्स इसके बाद क्लियर कर दूंगा, पहले अपन टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ लास्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए, बिकॉज मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि सारी एक्टिविटीज़ और सारे डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है। मतलब कोऑर्डिनेशन टफ नहीं है याद करने में, आपको तरीका आना चाहिए याद करने का। हमने शुरुआत की इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के साथ, मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ में चीज़ें याद रखना कितना आसान है, और आपको 4 बुक लेके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी की हुई है। यानी यहाँ से आपका जो सफ़र चालू होता है वो स्मार्ट स्टडीज़ का होता है, ना कि हार्ड वर्क का। हमने 4 पॉइंट पढ़े और चारों हमें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। पहला हमने किया कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स, यानी कंबाइन करता है एफर्ट्स, सबको साथ में लेके आता है। अब जब मैं पहला पॉइंट बोल रहा हूँ तो ये वाले पॉइंट पे ध्यान देना, फोर्थ वाले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट कहता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, यानी इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स का मतलब हो गया कि सारे जितने भी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उनको कंबाइन कर देता है, जिससे सारे के सारे मिलके एक साथ काम कर रहे हैं ऐसा लगना चालू हो जाता है। ये तो पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट जब अपन ने लिखा था तो यूनिटी ऑफ एक्शन की अपन ने बात की थी, ये अपना दूसरा पॉइंट था। यूनिटी ऑफ एक्शन ये कहता था कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप सारे लोग मिलके साथ में काम करोगे, आपने ये प्लान बना लिया है, ओके हम कंबाइन होके काम करेंगे, हम साथ होके काम करेंगे, लेकिन तब भी तो फेलियर के चांसेस हैं ना, जब आपने अपने इंटीग्रेट कर लिए हो एफर्ट्स, जब आपने सोचा हो यार देख तू भाई ये काम करता है, मैं भाई ये काम करता हूँ, एक काम करते हैं ट्यून अप कर लेते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, सामने वाला भी मान गया, आप भी मान गए कि चलो यार साथ में मिलके काम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन जब तक यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगी, जब तक कोऑर्डिनेशन वो दिखेगा नहीं, एक्चुअल में एसेंस नहीं दिखेगा कि नहीं यार सिर्फ साथ में मिलके काम नहीं कर रहे, जब जैसे जिसको ज़रूरत है उनके साथ एक दूसरे से बातचीत करके काम कर रहे हैं, लग रहा है कि सब साथ में मिलके काम करना चाहते हैं, वरना हुआ क्या कि ऊपर ऊपर से दिखा दिया कि हाँ यार साथ में काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन ने बोला ओके दिखना भी चाहिए कि वो चीज़ तुम सबको बाइंड कर रही है, तुम एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो, तुम एक दूसरे के लिए एडजस्ट करने को तैयार हो, इंटीग्रेट कर देना साथ में आ जाना। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब साथ में एक दूसरे को सोच परख के समझ के काम करना शुरू कर देना, तो यूनिटी भी आ गई। जब दोनों चीज़ें हो गई तो बात आगे बढ़ाई, क्या इसको एक बार के लिए रखना है या ये चीज़ ऐसी है जिसको कंटिन्यूस रखने की ज़रूरत है।
तो समझ में आया कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम थिंग, कोऑर्डिनेशन इज समथिंग जिसको हमें रेगुलैरिटी पे रखना पड़ेगा, जिसे हमें रोज करना पड़ेगा, जिसे हमें डेली बेसिस पे करना पड़ेगा. सो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज समथिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है. जरूरी नहीं है कि वो एक या दो दिन की चीज है, इट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम. नाउ कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, ये चीज हमें सिखाती है. फाइनल ये चीज हमें सिखाती है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में सीखी थी, इंटीग्रेट एफर्ट्स करने की बात. कोऑर्डिनेशन किसी एक लेवल की बात नहीं करता या किसी एक तरह के इंसान की बात नहीं करता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में देखा जाता है कि तीन लेवल्स होते हैं. पहला जो बॉस वगैरह होते हैं ना, सबसे जिनकी कंपनी होती है वो लोग होते हैं. दूसरे होते हैं मैनेजर्स जो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, और लास्ट हमारे होते हैं वर्कर्स जो बेचारे फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं. तो फैक्ट्री में काम करने वाले बेचारे हो गए अपने वर्कर्स वगैरह, लेबर वगैरह, तो वो हो गए लोअर लेवल. जो हमारे ऑफिसेज में काम करते हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, वो मैनेजर्स हो गए. और जो सबसे बड़ी पोजीशन पर डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठते हैं, वो टॉप लेवल हो गए. तो कोऑर्डिनेशन बोलता है कि ये परवेसिव है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, इंटीग्रेट करने वाली एफर्ट्स की, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स है क्या, किन के एफर्ट्स कंबाइन होने चाहिए. यहाँ पे क्लियरिटी लाके वो बोल देते हैं सारे लेवल्स के एफर्ट्स. परवेसिव मतलब जितने भी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्क नहीं पड़ रहा फैक्ट्री में काम चल रहा है या वेयर हाउस में. क्योंकि ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया, वेयर हाउस ने हाथ मिला लिए फैक्ट्री वालों से, बोला ठीक है मिलके साथ में काम करते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन चालू हुआ तो उनका यूनिटी नहीं थी उनके बीच में. बोल तो दिया था इंटीग्रेट, यार तुम भी काम करो हम भी काम करते हैं, इंटीग्रेशन हो गया था, बात हो गई थी. लेकिन जब काम करना चालू किया तो फैक्ट्री ने प्रोडक्शन कर लिया, वेयर हाउस में रखने की जगह नहीं थी. क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं था. इसलिए यूनिटी बनाई, साथ में मिलकर काम करना चालू किया, वेयर हाउस और फैक्ट्री के लोगों ने एक दूसरे से बात की. क्यों बात की? क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है. इंटर रिलेटेड कैसे हुए फैक्ट्री और वेयर हाउस? दोनों गुड्स की बात कर रहे हैं. इंटरडिपेंडेंट कैसे हुए? क्योंकि अगर वेयर हाउस में गुड्स रखाने हैं तो वो फैक्ट्री से ही आके आएंगे. तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है. कोऑर्डिनेशन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. दिक्कत ये है कोऑर्डिनेशन में लिखना क्या है, अधिकतर ये गलतियां होती हैं, स्पेशली आईएससी के स्टूडेंट्स और सीबीएसई वालों में ये केस स्टडी फाइंड आउट करने के काम आ जाएगा. इतना अगर तुम लिख के आ गए, ये चारों पॉइंट टू द पॉइंट जैसा मैंने लिखवाया, इवन मैंने सी पॉइंट में तुम्हें सिर्फ एक लाइन लिखवाई है, मतलब क्या है और मकसद क्या है, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर. तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, एक पॉइंट के अंदर ऐसी कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेगी. यू जस्ट हैव टू राइट 3.5 लाइन्स मैक्सिमम, 3.5 लाइन्स जो मैक्सिमम पैराग्राफ आपको लिखना होता है. जहां 4 लाइन से ऊपर तुमने लिखा, सीबीएसई मार्क्स काटने लगता है. 3.5 लाइन मैक्सिमम जाना चाहिए. तो उसके लिए ये कंटेंट हमारे लिए एनफ है. मेरे भाइयों, अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो ना, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. मैं इससे ज़्यादा वैसे कुछ चाहता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन स्टडीज़ में कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं उस लेवल पे तुम्हें लेके आ रहा हूँ जहाँ पे तुम्हें वाकई में ये क्लासेस फ्रूटफुल लग रही है, तो एक और अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए यहाँ बीच में है. ब्रेक भी हो जाएगा, मेरी बात भी सुन लोगे. अगर तुम चाहो तो सीबी फैमिली का पार्ट बन सकते हो. उसमें तुम्हें ये जो एक महीने का पूरा कंटेंट है ना, ये जो सारे वीडियोस हैं पूरे 1 मंथ के, ये तुम्हें पूरे इकट्ठे मिल जाया करेंगे, और तुम्हारी एक महीने की पढ़ाई भी पूरी इकट्ठी हो जाएगी. तुम जब चाहे तब देख सकते हो ये वीडियो, आराम से देख सकते हो. तुम्हें एडवांस में मिल जाया करेंगे जैसे ही मंथ चालू होगा. जैसे ये जून का मंथ है तो तुम्हें जून का पूरा कॉन्टेंट मिल जाएगा. दूसरी चीज, यहां पर जो इस सीबी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत छोटे छोटे रहेंगे. इसमें कुछ ही लोग इकट्ठे होंगे, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 70 स्टूडेंट्स या 70 मेंबर्स रहेंगे, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप रहेगा जिसके अंदर तुम कभी भी इंटरेक्ट करके अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हो. और जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि तुम्हारे लिए गर्ल पार करके एक अलग से ग्रुप बनता है जिसमें तुम आराम से डिस्कशन कर सकते हो, फील सेफ कर सकते हो कि यार नहीं यार मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब अजीब सा लड़का नहीं है जो बिना बात के छेड़ रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है. तो एक गर्ल पार ग्रुप है, वहां पे तुम आराम से तुम्हारे सीनियर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो. उसके अलावा तुम्हें डिस्कॉर्ड पे स्पेशल पार मिलेगी. अब ये डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहां पे तुम अपना पैशन, यू नो, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं या जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे परस्यू करना है, उस रिलेटेड तुम अपने डिस्कशंस कर सकते हो. इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का सर्वर है, वहां पे आके
तुम्हें एक स्पेशल पावर दे दी जाएगी सो दैट तुम जब इंटरेक्ट करो तो तुम्हारे नाम के सामने लिखा हो कि भाई तुम स्पेसिफिक पावर के साथ उस डिस्कॉर्ड सर्वर पर बैठे हो। और साथ ही साथ में तुम्हारे पास नोट्स होंगे, जो टेस्ट शीट्स आया करेंगी वो तुम्हारे पास रहेंगी उन स्पेसिफिक चैप्टर्स की। ये पूरा कॉन्टेंट तुम्हें मिलेगा सीबी फैमिली में। अब ये सीबी फैमिली का सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलेगा कहां से? कुछ नहीं करना है तुम्हें, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे कॉमर्स बाबा ऐप मिलेगी, डाउनलोड करो। जब कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड हो जाए तुम रजिस्टर कर लो खुद को, वहां पे स्टोर सेक्शन पे जाना, तुम्हें सीबी फैमिली मिल जाएगा, जाके उसमें एनरोल करा लेना, ये सारे पर्क्स तुम्हारे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन परवेसिव मतलब सारे लेवल्स पे है, तभी सारे लेवल्स को एक दूसरे से मिलके काम करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस है, ये एक बार की चीज़ नहीं है, ये बार बार करना पड़ता है। यूनिटी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हैं तो हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में यूनिटी भी होना चाहिए, एकता दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए यू केयर अबाउट द अदर पीपल या अदर पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ हाउ कोऑर्डिनेशन वर्क्स। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, बिल्कुल बिल्कुल टिपिकल अगर उसे अंग्रेजी में बोला जाए तो। अब वो प्रेजेंट एवरीवेयर को आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। यूनिवर्सली भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे गॉड इज़ परवेसिव बोल सकते हो, हर जगह है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव मीन्स कोऑर्डिनेशन कहाँ लगता है? ऑब्वियसली दुनिया में थोड़ा ना लग रहा है। मैं अगर पार्ले जी की कंपनी बात कर रहा हूँ, पार्ले एग्रो की बात कर रहा हूँ, तो मैं भैया पार्ले की बात करूँगा, मेरे को दुनिया से क्या लेना देना। तो परवेसिव व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेशन परवेसिव दैट मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ओनली। सिंपल सी बात है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। यार देखो, मैं पता है मैं बिजनेस स्टडीज़ को लेके बहुत जूझता हूँ व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ टीचर्स पिस ऑफ हो जाती हैं इस चीज़ को लेके। नाउ मैं मैक्सिमम टीचर्स की बात नहीं कर रहा, जो अंडरस्टैंडिंग है जिनकी है उन्हें समझ में आता है, बट देर आर मैक्सिमम टीचर्स जिनको बिल्कुल एनसीईआरटी घोटने वाली वो बात कर देती हैं। सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, यू आर अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स। सो जो टीचरें समझ सकती हैं कि इट्स ऑल अबाउट द टेक्निकल लैंग्वेज, यस इफ़ यू आर राइटिंग द टेक्निकल लैंग्वेज दे विल नेवर से कि यार इसी बुक से होनी चाहिए, दे विल ऑलवेज गिव यू द मार्क्स। ये टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करो, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि दिस वर्क्स इन बोर्ड्स, लाइक 12 ईयर्स इनटू टीचिंग मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ दिस वर्क्स इन बोर्ड्स, बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। बट अबाउट योर स्कूल डेट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बिजनेस स्टडीज़ की टीचर कैसे बिहेव करती हैं। इफ़ शी इज़ एरोगेंट अबाउट कि नहीं एनसीईआरटी ही लिखना है, उनका परसेप्शन कोई चेंज नहीं कर सकता। इफ़ शी इज़ एक्सेप्टेबल, ओके राइट द टेक्निकल लैंग्वेज ओनली एंड वी विल एक्सेप्ट, तुम जो भी लिख रहे हो यू विल गेट द फुल मार्क्स, टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपके ऊपर। जी रिया जी, ऑल लेवल जो होता है वो बहुत बेसिक होता है, और डिपार्टमेंट मतलब हो जाता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। जैसे ऑल लेवल का मतलब हो गया टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तो ये बहुत बेसिक हो गया पाणे जी, ठीक है। मतलब बहुत ही बच्चों वाला लगेगा अगर अपन ऑल लेवल बात करेंगे, क्योंकि जनरली बात होती है डिपार्टमेंट्स की, तो हम जनरली डिपार्टमेंट्स की ही बात करते हैं। तो लेवल्स को जब हम और डिटेल्ड में बात करते हैं बिल्कुल अच्छे से जाके, तो वो डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं लेवल्स हमारे, ठीक है। तनिष्क भाई, इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझाया, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से लिखवाया है ताकि आपको टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल सेंटेंस याद रहे तनिष्क भाई, और आपको फिर उसको कुछ नहीं करना, एक पूरे पैराग्राफ में बना के लिख देना है। ये मेरा एक तरीका है तुम्हें नोट्स बनवाने का, अल्टीमेटली इन एग्जाम यू हैव टू राइट इन पैरा, बट पैरा में कैसे लिखोगे जब मालूम ही नहीं है कि लिखना क्या है। सो ये लिखना है, अब इसे पैराग्राफ में लिख दो बना के, इज ए एन द ए ई आई ओ यू, जो यूज़ करना है कर लो। प्रांजलि कश्यप जी, जितना मैं करवा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ 101% उससे ही आएगा, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना। सिंगला साहब, ये तो वही बात हो गई कि घर में अगर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं यार, ये एक तरीका है, एक शुरुआत है। कोऑर्डिनेशन इज़ जस्ट द बिगिनिंग, कोऑर्डिनेशन होगा तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे, बस ये बात हो जाती है। यस इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन अनीश भाई, बिल्कुल। कार्तिक सुनेजा भाई ने बोला है कि सर स्कूल के एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स में मार्क्स ऐड होंगे। कार्तिक भाई, ऐसी बात तुम्हें जिसने भी बताई हो ना, बस मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे नहाने के मार्क्स भी ऐड होते हैं फिर बोर्ड में, याद रखना। कुछ भी अगर ऐसा है कि स्कूल के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं और उसके मार्क्स ऐड होते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो फिर तुम्हारे नहाने के मार्क्स भी ऐड होते हैं, बिकॉज दोनों फिर सेम लेवल पे। मतलब इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। लिख सकते हो आयुषी, लिख सकते हो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे वो यूनिवर्सल नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट के सारे लेवल्स पे ये यूनिवर्सल, दुनिया की बात नहीं है। एक कंपनी अपने कंपनी के अंदर के कोऑर्डिनेशन की बात करेगी। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
सो पहला पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो आप भी जानते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन और बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कैसे? क्योंकि वो इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स को, जो डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो तरह तरह के इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके काम करते हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं उनको भाई इंटीग्रेट कर लेता है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपको पहले ही की एलिमेंट समझा दिया है कि यार जब भी आप बात करोगे कोऑर्डिनेशन किया, जब भी आप बात करोगे किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाए, या किसी की भी, चलो छोड़ो वो चीज़ कोऑर्डिनेशन, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस लिखोगे, हमेशा हेल्प वर्ड यूज़ ज़रूर करना, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो यार एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर कि भाई ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ कैसे दिखती है जब सारे लोग मिलकर साथ में काम करें। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी कोऑर्डिनेशन की नीड और बढ़ती चली जाएगी। मे बी क्योंकि आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन शुरू जब आपने की थी तो 5-6 लोग काम किया करते थे, बढ़ के 8-10 हो गए, 15-20 हो गए, 25-30 हो गए। सो जैसे जैसे क्राउड बढ़ने लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत उतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्योंकि भले ही 2 लोगों ने शुरू किया हो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, एक बंदे ने चर्च के बाहर बुक्स बेचना चालू की थी, वो और उसके भाई ने, और उन्होंने ऐसे फ्लिपकार्ट चालू की, मे बी तब उन्हें कोऑर्डिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। सुबह उठ के आए और बेचना चालू कर दिया, ठीक है, सोचा एफर्ट लगाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हुई, उनको ज़रूरत पड़ने लगी कोऑर्डिनेशन की, बिकॉज अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स। सारे एफर्ट्स को एक साथ लेके कौन आता है? कोऑर्डिनेशन। किसके? डाइवर्स इंडिविजुअल्स के। क्योंकि हर एक इंसान जो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट से आ रहा है, उसके सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। हमें क्या करना है? उसको एक पॉइंट पे लेके आना है। हमें क्या करना है? उसको समझाना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें समझाना है कि अगर तुम इस डायरेक्शन में काम करोगे तो तुम्हारी भी ग्रोथ है और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ है। तो डाइवर्स का मतलब भिन्न भिन्न प्राणी आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी आते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों को हमें सेम पॉइंट पे लेके आना है, या सेम ऑब्जेक्टिव पे लेके आना है, या सेम विजन पे लेके आना है। मतलब मैं है ना, अगर थोड़ा भी तुम लोगों को पढ़ाई के मूड में दिखने लगूं, रुको रुको मैं आ रहा हूं। हाँ बताओ भाई क्या दिक्कत है, चलो पूछो यार। मतलब मैं थोड़ा भी अगर पढ़ाई के मूड में आने लगूं तो यार तुम लोग बिल्कुल ही एकदम, मैं चाहता हूँ यार बिजनेस तुम लोग अच्छे से पढ़ो यार। मतलब मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग भी मेरे साथ नोट्स बना रहे हो बिल्कुल फीलिंग के साथ यार, और लगना चाहिए यार कि हाँ भाई, मतलब एक माहौल बना हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मतलब अपन अकाउंट्स में देखो बात कर सकते हैं, अपन इको में बात कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में पता है क्या है कि बिजनेस में मुझे तुम्हें टेक्निकल टर्म सिखाने हैं, बिजनेस में मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करवानी है, तो उसके लिए तो भाई यार शांत बैठना ही पड़ेगा, क्या करें। ठीक है पांडे जी, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, फंडा सिंपल सा है कि मुझे ध्यान रखना है कि तुम लोगों को बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से बन रहा है, पढ़ रहे हो, और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जब तक तुम लोग बिजनेस स्टडीज़ एकदम बिल्कुल डिटेल में जाके नहीं पढ़ोगे तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। बिजनेस की क्लास हमेशा चिल्ड क्लास होनी चाहिए। देखो यार हर तरह का जो क्लास है ना वो अलग अलग एनवायरनमेंट डिमांड करता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है, तो यार थोड़ा डिफरेंट भी चलना चाहिए यार, ऐसा नहीं है। ठीक है और पूछ लो, और कोई डाउट आ रही हो ना तुम लोगों को, ऐसा लग रहा हो कि नहीं भैया यार ये क्या चल रहा है, भैया ऐसे कैसे पढ़ रहे, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक माहौल नहीं बनाओगे बिजनेस स्टडीज़ में तब तक मज़ा नहीं आएगा, और फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का जब अपन ने माहौल ही नहीं बनाया। तो रेजर वाले मॉनिटर का गिव अप कब करोगे? रेजर वाला मॉनिटर नहीं है, मैंने बस स्टिकर चिपका रखा है, था तो वो डेल का मॉनिटर। सब बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर सबके हिसाब से करना छोड़ दोगे और खुद के हिसाब से करना चालू कर दोगे तो अलग ही लेवल का फीलिंग आएगा, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बहुत सारे लोगों ने बोला भी है ना, जैसे अभी एक मेरे को क्वेश्चन मिला था कि 18-19 साल की मतलब उम्र में हमें क्या करना चाहिए। अकाउंट्स की बुक में नॉन करेंट करंट को ऑपरेटिंग साइकिल के साथ साथ 12 मंथ की, हाँ उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको करंट मीनिंग जो है
वो पता होना चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल का, जो CBSE आपसे डिमांड करता है वो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल का, और वो यही है कि टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज ऑपरेशंस, यू कैन नॉट बाइंड इट विथ 12 मंथ्स ओनली। और ये चीज़ मैंने तुम्हें समझाई भी थी जब अपन ने किया था, तो देश में तो भाई धोखा नहीं था यार, मेरे पास रेजर के बाकी सारे एक्सेसरीज हैं, तो मेरे पास स्टिकर था, मैंने कहा क्या करूं, डेल का स्टिकर अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने रेजर का झपका मारा उसके ऊपर। चलो भाई अभी ठीक है, सबको ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई चीज़ें डिमांड करती हैं तुम लोगों की सीरियसनेस। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों का भी मूड बना रहे और अच्छे से अपन नोट्स बनाए, बस और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं वापस से, जो अपन कर रहे थे उसको फिनिश कर लेते हैं। उमंग भाई बिल्कुल सही जा रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। सर इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेशन बता दो। देखिए यार, इंटीग्रेट करना कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। मैं एक चीज़ समझा देता हूँ इसके अंदर ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। देखो यार, कोऑर्डिनेशन, हर्ष भाई ध्यान देना तुम कि कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है। शुरुआत होती है कोऑर्डिनेशन में मेजर हेड के साथ। चलो कोऑर्डिनेशन से ही समझाता हूँ तुम्हें कोऑर्डिनेशन। अब ये हम टिपिकल जो तुम्हें चाहिए था ना कि मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ाऊँ जैसा तुम लोग को पसंद आता है, तो चलो कोऑर्डिनेशन को वैसे समझते हैं। सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेशन में, सबसे पहली स्टेप लिखो सब लोग, और देखना अब तुम लोगों को कितने अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन है सबको साथ लाओ, ये सबसे पहला स्टेप है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीग्रेट करना। खुश, बहुत अच्छे से खुश। दूसरा होता है, अब किसी को दिक्कत नहीं होगी ये मैं गारंटी दे सकता हूं, बस अब किसी को दिक्कत नहीं होगी कोऑर्डिनेशन वाले में तो नहीं होगी, और अभी भी है तो प्लीज पूछ लो। मच 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 लेटर। हो गया सबको क्लियर, बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो पहला हमने इंपॉर्टेंस कर लिया है, पहली वाली इंपॉर्टेंस में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बता देना। मैंने वैसे समझा दिया था कि इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जितनी ग्रो होगी, जितनी आगे बढ़ेगी, उस हिसाब से ही हमें कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड ऑन होते चले जाएंगे, तो सबके एफर्ट्स हमें इंटीग्रेट करना ज़रूरी है भाई, तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो यार तुम लोगों को अब मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर, और ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना है, थोड़ा सा फोकस लेके सुनना है, और अगर कहीं पे नहीं आए तो एक बार मुझे बता देना, सो दैट मैं तुमको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन एक बार में हो जाना चाहिए, दैट इज़ माई ओपिनियन। एक बार सुन लो, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, सीधी सीधी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई सिर्फ एक काम नहीं होता है, देयर आर मैनी functions that are needed to be performed within the organization. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको perform करना है। अब उसी के लिए different departments बनाए जाते हैं, जैसे marketing का है, अपन लोग जैसे commerce वाले लोग हो गए तो finance वाले department में जाएंगे, production का department है, sales का department है, और बहुत सारे departments हैं, ऐसा नहीं है। ये departments क्या show करते हैं कि एक organization के अंदर बहुत सारे functions perform करने के लिए होते हैं। अब दिक्कत क्या होगी, marketing वाला चाहेगा मेरा ad सबसे classy हो, फाइनेंस वाला चाहेगा पैसा ही पैसा हो, प्रोडक्शन वाला चाहेगा प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकें, और सेल्स वाला चाहेगा कि मार्केट में गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। सबके अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ऑप्शंस हैं, उन्हें अपने अपने गोल्स अचीव करने हैं, ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या चाहेगा, इन फंक्शनल डिफरेंशिएशन के अंदर या डिफरेंस होने के बाद भी कोऑर्डिनेशन चाहेगा कि इन सबको कैसे रिकनसाइल किया जाए कॉमन गोल की तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। क्योंकि देखो यार, घर में देख लो, पापा बढ़िया कमाते हैं, मम्मी बढ़िया कमाती हैं, पापा भी घर पे काम करते हैं, मम्मी भी घर पे काम करती हैं, तुम्हारा काम है अभी पढ़ाई करना, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं घर में, छोटे भाई बहन का काम है सबको परेशान करना, जगा के रखना, मतलब सबके अपने अलग अलग काम चल रहे हैं आज के टाइम पे। लेकिन क्या तुम सब में मिलके यूनिटी है जब ज़रूरत पड़े तो, That is coordination. That is something coordination defines. कि क्या सारे के सारे सब लोग reconcile करने का मतलब हो गया सबको एक साथ लेके आना, सबको एक जगह पे लेके आना। So क्या coordination इसमें help कर सकता है? जी हाँ, coordination help करता है ये सारे departments जो कि अपने individual objectives, individual goal लेके चलते हैं, उन सबको reconcile करना और common goal की तरफ लेके आना, उनके behavior को change करना, और ये सिखाना कि जब तक वो लोग common goal की तरफ काम नहीं करेंगे organization के, तब तक उनका इंडिविजुअली काम करने से भी कोई फायदा नहीं है। क्या यहां पे समझ में आया? नहीं तो मैं वेट कर रहा हूं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। वैसे कुछ है ऐसा खास है नहीं, इट्स ऑल अबाउट सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह पे लेके आ जाना कि भाई काम करो, तो मिलके काम करो, अलग अलग काम मत करो।
शाश्वत भाई थर्ड पॉइंट इसके अंदर जो बोल रहा है वो बता रहा है कि कौन कौन से अलग अलग आपके पास जो हैं डिपार्टमेंट्स वो कौन कौन से होते हैं। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, ये मेरा तुमसे पूछना है, जितने लोग ये अभी देख रहे हो लाइव सेशन, मेरा तुम सबसे पूछना है कि कोऑर्डिनेशन ये सिखाता है कि सारे काम मिलके करो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है क्या कोऑर्डिनेशन ये भी सिखाता है कि तुम जो काम करो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो 100% परफेक्ट होना चाहिए ताकि बाकी सारे जितने लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं वो तुम्हारे काम को लेके तुम पे डिपेंडेंट हो सके। ये मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे इसका आंसर करना, बताना मुझे कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि अंडर कोऑर्डिनेशन वॉट एवर यू आर परफॉर्मिंग शुड बी टॉप नॉच इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। रिकनसाइल का सिंपल मीनिंग, सबको एक जगह लेके आना, जब तुम बहुत सारे फिगर्स को प्लस करते हो और जो तुम्हारा फाइनल आंसर आता है उसको एक तरह से रिकनसाइल ही बोलते हैं, ठीक है। विनीत भाई, जब आपने बहुत सारे फिगर्स उठाए और उनको प्लस करके एक यूनिफॉर्मिटी पे आंसर लिया, रिकनसाइल करना कहते हैं उसे। इट्स लाइक मैचिंग आउट, इट्स लाइक सम टोटल कर देना, एक यूनिफॉर्मिटी ले आना, सबको एक जगह गेट टुगेदर जिसे बोलते हैं, सबको एक जगह पे लेके आ जाना, वो रिकनसाइल होता है, ठीक है भाई। लियो का कहना है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अर्पित शर्मा का भी कहना है नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है। अच्छा भाई, तो मतलब आधे लोग कह रहे हैं कि ज़रूरी है और बाकी आधे कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, इफ दे वर्क फॉर द सेम पर्पस, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं दीपांशी जी, आप कहीं से गलत नहीं थे, गलत तो नहीं थे। विनीत भाई, रिकनसाइल का मतलब बताया, सुना आपने अभी कि नहीं, मैं फिर से बताऊँ एक बार, प्लीज़ बता दो मुझे। इंटीग्रेट करना, रिकनसाइल करना, दोनों अलग जगह यूज़ होते हैं, मीनिंग सेम हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू एफर्ट्स आप बोलोगे कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, व्हेन इट कम्स टू द रिजल्ट आप बोलोगे रिकनसाइल कर रहे हो, बस इतना सा डिफरेंस है। दोनों का काम सेम होता है आयुषी, बट कहाँ यूज़ हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। चलो मेरे पास काफ़ी, इफ़ वी डोंट डू अ वर्क परफेक्टली देन द गोल्स विल नॉट बी अचीव्ड इवन विद द कोऑर्डिनेशन, सो इट इज़ नेसेसरी। यस ऑब्वियसली यार, डेजी बिल्कुल सही बोला है। तो जितने भी लोगों ने बोला है कि ज़रूरी है या नहीं है, सी फंडा सिंपल है मेरे भाइयों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली मीनिंग यहीं पे क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है साथ में मिलके काम करना, एंड आप साथ में मिलके काम तभी करना चाहोगे व्हेन यू नो कि आप जो काम कर रहे हो आप उसमें अपना 100% दे सकते हो, तभी काम होता है। अगर आपको मालूम है कि आप अपना 100 ऐसे ही नहीं दे सकते हो तो आपका वहां पे होना एक तरीके से बर्डन हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, इफ यू आर परफेक्ट इन योर ओन वर्क दैट मींस आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एंड देखो यार, कोऑर्डिनेशन का मतलब, क्योंकि मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे हर चीज को क्लियर करके बताना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन की जब बात आएगी तो कोऑर्डिनेशन क्या बोलेगा कि यार साथ में मिलके काम करना है। अगर उसके अंदर एक भी इंसान परफेक्ट नहीं होगा तो वहां पे दिक्कत शुरू हो जाएगी। जरूरी है, फिर से बोलता हूं, कि अपनी फील्ड में स्ट्रांग होना, अपनी फील्ड में परफेक्ट होना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं अभी बात जो करने वाला हूं सी पॉइंट की, एक बार देख लो, फिर मैं सबके कॉमेंट्स लूंगा इसके बाद, बस ये सी पॉइंट एक बार देख लो। तुम लोग कोऑर्डिनेशन के बारे में एक चीज भूल गए कि यहां पे बात हो रही है ग्रुप एफर्ट्स की, ना कि इंडिविजुअल की, ये चीज तो तुम लोग भूल ही गए। कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट ग्रुप एफर्ट्स, ना कि इंडिविजुअल काम की। और अगर तुम ग्रुप एफर्ट लगा रहे हो तो ग्रुप एफर्ट के अंदर जो भी काम तुम कर रहे हो तुम्हें उसमें परफेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अगेन आप उस पर्टिकुलर काम को लीड कर रहे हो, लोग आप पे उस पर डिपेंडेंट हैं। कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल या आइसोलेशन की बात करता ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन कहता है कि साथ में मिलके काम करो, और साथ में मिलके तभी काम करो जब आप उस काम में 100% हो या परफेक्ट हो, वरना आपका वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं काम पे, और मे बी बाकी सारे लोगों का काम हैम्पर हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा सिर्फ आपके गलत काम करने के कारण या आपके इनएक्सपीरियंस होने के कारण। आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड होना, आपका वहाँ पे परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप पे लोग और डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो सेल्स वालों ने खूब प्रोडक्शन करके बाहर मार्केट में निकाल दिया, सेल्स वालों ने मार्केट तक गुड्स पहुँचा दिए, प्रोडक्शन वालों ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, फाइनेंस वालों ने पूरा लोन दिया, सब कुछ किया, मार्केटिंग फेल हो गई, मार्केटिंग करने वाले जो बंदे थे उन्होंने ढंग से मार्केटिंग नहीं की, तो फाइनेंस भी गया, डूब गया, प्रोडक्शन भी गया, और जो सेल्स वाले थे जिन्होंने मार्केट में गुड्स पहुंचाए थे वो भी बर्बाद हो गया।
तो स्पेशलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है। आपका आपका काम जो भी कर रहे हो परफेक्ट होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने अपना काम बिल्कुल 100% परफेक्ट कर दिया, आपने वहीं आधी जंग जीत ली। आप पे चीज़ें डिपेंडेंट हैं, जैसे घर वाले आपसे कोई काम कहते हैं और आप नहीं करते हो तो वो कितना गुस्सा होते हैं। उनका एंगर वो चीज़ शो करता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू परफॉर्म योर टास्क 100% एट 100%, बिकॉज अगेन दे आर डिपेंडेंट अपॉन यू। दिस इज वॉट कोऑर्डिनेशन इज। कोऑर्डिनेशन इज नॉट समथिंग दैट इज बींग डन बाय एन इंडिविजुअल, कोऑर्डिनेशन इज बींग समथिंग इज समथिंग दैट इज बींग डन बाय ग्रुप्स। बंडल में काम किया जाता है, एफर्ट्स को इकट्ठा डाला जाता है, और उसके लिए आपका स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है। सो यस, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन, बिकॉज अल्टीमेटली आपका स्पेशलाइजेशन परफेक्शन लेके आएगा ग्रुप एफर्ट्स के अंदर। तो प्लीज अब मुझे बता दो किस किस को डाउट आ रहा है, तो मैं फाइनली इसको क्लियर करना चालू करूं। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं प्लीज मुझे बताना चालू करो अब। चलो अनीशा, सबसे पहले मैं आपका डाउट ले लेता हूँ। सर, आप जो कर रहे हो हम सब को साथ लाने का एंड देन साथ में इतनी मेहनत करने का हमारे फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए, ये भी कोऑर्डिनेशन हुआ? जी अनीशा जी, अगर आपको मेरे पे भरोसा है और आप कॉमर्स बाबा टीम को, फैमिली को बहुत चाहते हो, एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, तो बिल्कुल यही कोऑर्डिनेशन है जी। एंड अगर आपका कोई और डाउट था तो प्लीज़ पोस्ट कर देना, मैं माफ़ी चाहूँगा जिसका भी मैंने डाउट नहीं लिया है, प्लीज़ पोस्ट करो, मैं बाकी सबका एक बार डाउट ले लेता हूँ। और बाकी किसी को डाउट नहीं है तो यू आर फ्री टू गो। एंड कोऑर्डिनेशन इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, प्लीज़ ये कोऑर्डिनेशन इतना याद रख लेना, मेजर क्वेश्चन आता है ISC के लिए भी, CBSE के लिए भी। प्लीज़ इस टॉपिक को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि मैंने जो पॉइंट सिखाए हैं, अगर आपको अभी नहीं रियलाइज़ हो रहा हो, जितने पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ये केस स्टडी में यही पॉइंट्स आते हैं। तो जिन्होंने वो वर्ड्स पढ़ लिए हैं जो मैंने लिखवाए हैं, तुम केस स्टडी पढ़ के समझ जाओगे कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे 70-80 केस स्टडीज जो करी हुई हैं उनका जिस्ट दे चुका हूँ तुम्हें, ये पूरे कोऑर्डिनेशन में, इसलिए आज लेट हो गया, बिकॉज पूरा करवाना ज़रूरी था। कोऑर्डिनेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल भूरा जी सही बोल रहे हैं आप। ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट भी होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करंट भी होती है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि अपन ने इन्वेस्टमेंट कैसा किया है हार्दिक भाई, ठीक है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग रख रखे हैं, स्टेक रख रखे हैं, क्योंकि आपका उससे ट्रेड मतलब व्यापार वाले रिश्ते हैं, और इन्वेस्टमेंट उसी पर्पस से करके रखा है कि यार हमें रॉ मटेरियल में भी सस्ता मिल जाएगा, मे बी हमें किसी और तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली नॉन करंट एसेट होगा यार, कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन कि अपन ने किस तरह का ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन किया या ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर किया। अगर हाइपोथेटिकली पूछ रहे हो कि क्या होगा, बाय रूल्स पूछ रहे हो क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करंट में जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इट इज़ अ टाई अप बिटवीन टू कंपनीज फॉर द ट्रेड पर्पस, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज पर्पस, इस तरीके से देखा जाता है मेरे हार्दिक भाई। सर दैट मीन्स वी शुड गिव एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द प्रो एम्प्लॉयज, रिद्धदीप विथ दिस मीन्स ऑल द लीडर्स शुड बी प्रो, उनके अंदर एम्प्लॉयज़ को वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लीडर्स होते हैं, जो लीड करते हैं, जो शुरुआत से फोर फ्रंट पर रहते हैं कोऑर्डिनेशन में, वो सारे प्रो होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। देशमित्र भाई हाँ आपका एग्जांपल सही था। कॉमर्स बाबा नाम कहाँ से सोचा, मत ही पूछो, उसके पीछे तो रैंडम स्टोरी थी, कभी सुनाऊंगा अच्छे से यार। सुरेश भाई ठीक है। डिम्पल ने बोला कोऑर्डिनेशन में इंडिविजुअल प्लस ग्रुप स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। जी डिम्पल जी बहुत ज़रूरी है, तभी काम परफेक्ट होता है। स्पेशलाइजेशन में क्या लिखेंगे, स्पेशलाइजेशन में लिखेंगे इट्स ऑल अबाउट द ग्रुप एफर्ट्स नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट्स, बस। चैप्टर खत्म नहीं है अभी, एक क्लास और लगेगी चैप्टर खत्म हो जाएगा। सी पॉइंट को पैराग्राफ में कैसे लिखें, बस इज ए एन द आई ओ यू यूज कर लेना, बस उसके बाद पूरा उसको बना दो, हो जाएगा, बन जाएगा पॉइंट, और कुछ नहीं करना है भाई। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, कैसे करूँ? जब तक एक विल पार नहीं होगी ना अंदर से, एक पागलपन नहीं होगा, तब तक कर भी नहीं पाओगे प्रणव भाई। वो जब तक अंदर से गट फीलिंग नहीं आएगी तब तक नहीं हो पाएगा। तो मन कड़ा कर लो, हेट लेने को तैयार हो जाओ और होने लगेगी चीज़ें। अरे वो वी नहीं है मेरे भाइयों, वो रिकनसाइलिंग है भाई यार, लो ठीक है। खुश जैन भाई व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा कम आता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा तुम लोगों के अभी नोट्स बनाने में लगा हुआ हूँ भाई, इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों के कंटेंट पे मैं लगा हुआ हूँ, ताकि अपना टॉप नॉच कंटेंट हो और परेशानी ना हो तुम लोगों को कुछ और पढ़ने के लिए, इसलिए बस उसमें लगाऊँ। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट इज़ ऑल अबाउट ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है सही बोला है। मैं तुम लोगों को बस कुछ ही चीज़ बताना चाहूँगा एंड में जाते जाते। बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे मार्क्स बना सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है, और मेरे रहते हुए मैं हमेशा चाहूँगा कि बिज़नेस का तुम्हारा हमेशा स्कोर ऊपर ही जाए, ना कि नीचे जाए। हमारे पास सिलेक्टिव टाइम होता है, हम हफ्ते में एक बार बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ
कि तुम लोग थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो, और कोई रीज़न नहीं है, अदरवाइज़ मैं तुम लोगों को बोलता भी नहीं, ठीक है। तो जब भी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ो, मेक श्योर यू आर टेकिंग इट सीरियसली, और कोशिश करो कि नोट्स बहुत अच्छे बनाओ, अपने नोट्स ग्रुप पे शेयर करो। एंड बहुत ही जल्दी बिजनेस स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें देना चालू करूँगा, तो वो क्वेश्चंस करना चालू कर देना तुम लोग, सो दैट तुम्हें उससे फ़ायदा होना चालू हो जाए और सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारे तैयार हो जाएं। तो प्लीज़ कुछ क्लासेस अपन थोड़ा सा ऐसे ही मतलब मूड वाली रखा करेंगे, और बाकी तो अपन करते ही रहते हैं, समझ ही रहे हो तुम, ठीक है। एंड हमेशा वर्क फॉर योर पैशन, अगेन मैं यही बोलूँगा, काम करो, अच्छा करो, घर वालों का ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो, यू आर लकी एनफ कि तुम्हारे पास एक फैमिली है, मेक श्योर कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, एंड मेक योर फ्यूचर सो दैट आगे कभी आपको दोबारा सोचना ना पड़े कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि एक बार जो कर लिया दोबारा मुड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो सबको बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही पढ़ते रहो, कल फिर मिलते हैं और फिर आगे देखते हैं। धन्यवाद।